चुनाव आयोग ने किया ऐलान, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में होगा मतदान, 23 को आएंगे नतीजे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में होगी वोटिंग, 13 और 20 नवंबर को वोटिंग, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। दो चरण में होंगे 48 विधानसभा और दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव, 47 विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर वोटिंग 13 नवंबर को, एक विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को होगा मतदान। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर और स्टेट कोऑर्डिनेटर की घोषणा, लिस्ट में 11 लोगों के नाम शामिल, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत जैसे नामों को मिली जिम्मेदारी। जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान, चुनाव आयोग पर लगाया बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप, हिमंता बिस्वा सरमा के वीडियो का दिया हवाला। फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब, पूछा मुफ्त की रेवड़ियों को रिश्वत क्यों न माना जाए। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर सीएम आतिशी ने बुलाई बैठक, दिल्ली सचिवालय में हुई बैठक, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी रहे मौजूद। जेएमएम नेता कल्पना सोरेन का बड़ा दावा, झारखंड में दोबारा सरकार बनाकर दिखाएंगे। प्रियंका चतुर्वेदी का महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा महायुति सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान। आरजीकर अस्पताल मामले में सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को आदेश, 3 हफ्ते में जांच रिपोर्ट दाखिल करने का सुनाया फरमान। नासा ने बृहस्पति के चांद यूरोपा पर भेजा स्पेसक्राफ्ट, 2030 में करेगा लैंड, ग्रह की बर्फीली सतह के नीचे समुद्र होने के संकेत। ओलंपिक शूटर मनु भाकर का बयान, मुझे कोई ना बताए मेरा लक्ष्य, मुझे पता है मेरा गोल। शेयर बाजार में गिरावट, 152 अंकों की गिरावट के साथ 81,820 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 70 अंकों की गिरावट के साथ 25,057 पर बंद हुआ निफ्टी। रिलीज हुआ सिटाडेल हनी बनी सीरीज का ट्रेलर, वरुण धवन और सामंथा आएंगे नजर, 7 नवंबर को प्राइम वीडियोस पर होगी रिलीज। रिलीज हुआ भूल भुलैया 3 का ट्रेलर ट्रैक, फिल्म में हुई दिलजीत दोसांझ और पिटबुल की एंट्री, दिवाली पर रिलीज होगी फिल्म।